कक्षा सातवीं हिंदी मीडियम साइंस चैप्टर आठवां मौसम पवने और चक्रवात। अब जो है इसमें मैंने चक्रवातों की उनकी परिभाषा पहले बता दी थी, अब चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश। कहता चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं, तेज समुद्र के जल की तटों की ओर धकेलती है, यानी कि चक्रवात के अंदर तेज़ पवन होती है, तेज़ हवा होती है, वो समुद्री जल को उठा करके उसके तटों की ओर धक्का मारती है यानी धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, और ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं कि पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की लहरें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि उसके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। चक्रवात के क्षेत्र में निम्न दाब के कारण केंद्र में जल सतह तथा उच्च स्तर तक उड़ सकता है। अब ये उसके दाब के ऊपर निर्भर करता है कि वह जल सतह के निम्न यानी नीचे और ऊपर 3 से 15 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है, और मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ती है, यानी जो जल की दीवार बनती है जो 3 फुट से लेकर के 12 मीटर तक, वो समुद्र के तट की ओर बढ़ती है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का जो पानी है कम ऊंचाई पर स्थित है तटीय क्षेत्रों की में प्रवेश कर जाता है, यानी कि उसके नज़दीक के जो क्षेत्र होते हैं उसमें प्रवेश कर जाता है और जीवन संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। यह पानी की मृदा की उर्वरता को भी कम कर देता है। तो ये देखिए उत्तरी प्रशांत, ये और उत्तरी अटलांटिक महासागर, हरिकेन, चक्रवात, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और चक्रवात, ये भूमध्य रेखा के आसपास के जो है चक्रवात निर्मित होते हैं। अब इसमें दिया है पवन के वेग को मापने के लिए एक वायुमापी होता है, ये वायुमापी है, इसके अंदर NS लिखा हुआ है, नॉर्थ साउथ है या साउथ नॉर्थ है। तो पवन के वेग को मापने के लिए एक वायुमापी होता है, और प्रभावी चक्रवाती जो है उसके सुरक्षा के उपाय। अब देखो चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए हम निम्नलिखित व्यवस्थाएं कर सकते हैं। चक्रवात पूर्व अनुमान यानी कि पहले से अंदाजा हो जाए, और चेतावनी और सेवा यानी सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों और आम जनता को शीघ्र अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्र गामी संचार व्यवस्था। अब एक तो चक्रवात के बारे में बता दे टाइम से पहले, समय से पहले बता दे भी न, और उसके समुद्र तटों के नज़दीक है, मछुआरे हैं और आम जनता है, उनको जल्दी से जल्दी चेतावनी दें। और चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। अब है जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। हमें मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों को होने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए, क्योंकि बाढ़ में सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है। सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबरों की सूची साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानियां हैं। ऐसे जल को पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है। आपातकालीन स्थिति के लिए पेयजल को इकट्ठा करें, संग्रहण करें। गिले स्विच और खंभों से टूट करके गिर गए हैं, उनकी तारों को न छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण
करने बाहर ना निकलें, बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव ना डालें, अपने पड़ोसियों और मित्रों की यथासंभव सहायता प्रदान करें। अब उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायक सिद्ध हुई है। अब जो है कि हमें एक दो दिन से कम का समय मिलता है और रडार की उपलब्धता से यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात अथवा चक्रवात सतर्कता की सूचना जारी हो जाती है और चक्रवात चेतावनी से भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जो अब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के चक्रवात से संबंधित आपदाओं का मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो थैंक यू। अब ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ, इसके प्रश्न उत्तर आपने करने हैं कॉपी पर। थैंक यू। उपाय, अब देखो चक्रवात के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए हम निम्नलिखित व्यवस्थाएं कर सकते हैं। चक्रवात पूर्व अनुमान यानी कि पहले से अंदाजा हो जाए और चेतावनी और सेवा यानी सरकारी संस्थाओं, समुद्र तटों, मछुआरों और आम जनता को शीघ्र अतिशीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्र गामी संचार व्यवस्था। अब एक तो चक्रवात के बारे में बता दे टाइम से पहले, समय से पहले बता दे भी न, और उसके समुद्र तटों के नज़दीक है, मछुआरे हैं और आम जनता है, उनको जल्दी से जल्दी चेतावनी दें। और चक्रवात संभावित क्षेत्रों में चक्रवात आश्रयों का निर्माण और लोगों को तेजी से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था। अब है जनता द्वारा किए जाने वाले कार्य। हमें मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों को होने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अनिवार्य घरेलू साज सामान, पालतू पशुओं और वाहनों आदि के सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध करने चाहिए। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए क्योंकि बाढ़ में सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है। सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों के टेलीफोन नंबरों की सूची साथ रखनी चाहिए। यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहते हो तो कुछ अन्य सावधानियां हैं। ऐसे जल को पीने के लिए उपयोग ना करें जो संदूषित हो सकता है। आपातकालीन स्थिति के लिए पेयजल को इकट्ठा करें, संग्रहण करें। गिले स्विच और खंभों से टूट करके गिर गए हैं, उनके तारों को ना छुएं। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण करने बाहर ना निकलें। बचाव दल पर अनावश्यक मांगों की आपूर्ति के लिए दबाव ना डालें। अपने पड़ोसियों और मित्रों की यथासंभव सहायता प्रदान करें। अब उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायक सिद्ध हुई है। अब जो है कि हमें एक दो दिन से कम का समय मिलता है और रडार की उपलब्धता से यह संभव हो गया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे अपने पड़ोसियों और मित्रों की यथासंभव सहायता प्रदान करें। अब उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायक सिद्ध हुई है। अब जो है कि हमें एक दो दिन से कम का समय मिलता है और रडार की उपलब्धता से यह संभव हो गया है
कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले ही चक्रवात अथवा चक्रवात सतर्कता की सूचना जारी हो जाती है और चक्रवात चेतावनी से भी कम से कम 24 घंटे पहले जारी कर दी जाती है। जो अब चक्रवात तट के निकट होता है तो हर घंटे अथवा आधे घंटे पर उसकी प्रगति और दिशा के बारे में संदेश प्रसारित किए जाते हैं। उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के चक्रवात से संबंधित आपदाओं का मॉनिटर करने में सहयोग प्रदान करते हैं। तो थैंक यू। अब ये आपका लेसन कंप्लीट हुआ, इसके प्रश्न उत्तर आपने करने हैं कॉपी पर। थैंक यू।